छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सर्वसम्मति से सामान्य न्याय प्रदाय करने विधानसभा में पारित आरक्षण नीति विधेयक को अनुमोदन करने की मांग को लेकर दुर्ग ग्रामीण पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के पिछड़ा वर्ग विभाग दुर्ग ग्रामीण के राधेश्याम शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जन कल्याण की दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है। वहीं कई वर्षों से छत्तीसगढ़ की जनता सामान्य आरक्षण के लिए वंचित है, जिसे दृढ़ निश्चय एवं उदारता का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सामान्य जनों को न्याय दिलाने नव आरक्षण को लागू भी किया है। इसी कड़ी में सरकार की मदद करने युक्त विधेयक को अनुमोदित कर न्याय दिलाने में सहयोग किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग ग्रामीण पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आरक्षण जो लागू किया है, उस आरक्षण पर महामहिम द्वारा अनुमोदन नहीं करने पर हम ओबीसी कांग्रेस के द्वारा यह ज्ञापन आज कलेक्टर में हम सौंपने जा रहे हैं। हमें इसका जो समा जो पिछड़ा वर्ग और अन्य सभी वर्गों का आरक्षण दिया गया है, उससे हम संतुष्ट हैं, पर महामहिम जी के द्वारा यह लागू नहीं करना या इसमें साइन नहीं करना, इसलिए हम यह ज्ञापन आज कलेक्टर में सौंप रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर आगे अगर कुछ नहीं होता तो हम इसको भारी मात्रा में जन आंदोलन के रूप में इसको फिर से आगे करेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 दिसंबर को जो सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किए हैं ओबीसी का आरक्षण 27% और राज्यपाल महोदय जी उसको पास ही नहीं कर रहे, बिल में साइन ही नहीं कर रहे, तो हम लोग इसको विधेयक को पास करने के लिए आवेदन करने के लिए आए हैं, उसके बारे में ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जनजाति और BSW ये सबको आरक्षण दिया जाए। इससे खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। तो वो साइन नहीं कर रहे हैं राज्यपाल महोदय जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वो हम लोग आवेदन देने आए, ज्ञापन सौंपने आए, क्योंकि ज्ञापन देने के लिए आए कि इनको जल्द लागू किया जाए। लागू नहीं किया जाएगा तो जन आंदोलन होगा बड़ा बड़े बड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।